हेलो फ्रेंड्स, तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर लोकेश कनगराज आज अच्छी फिल्म मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने साल 2016 में एक शॉर्ट फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कैथी, मास्टर और विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। तो फ्रेंड्स, लोकेश कनगराज की कुछ और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं आने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकेश कनगराज की सबसे पहली फिल्म होने वाली है थलपति 67, जो कि एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके लीड रोल में बीस्ट और मास्टर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आ चुके थलपति विजय नजर आएंगे। पूरी फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस बात की जानकारी खुद डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने दी है। फिल्म में विजय के अलावा संजय दत्त, पृथ्वीराज सुकुमार, त्रिषा और कीर्ति सूरज मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म का नाम अभी आधिकारिक तौर पर फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन विजय की 67वीं मूवी होने के कारण इसे थलपति 67 कहकर पुकारा जा रहा है। फिल्म में कमल हसन भी कैमियो करते नजर आएंगे। फिल्म 250 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है और यह साल 2023 के अंत तक सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। लोकेश कनगराज की अगली फिल्म होने वाली है कैथी 2। डायरेक्टर लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित कैथी 2 एक एक्शन क्राइम फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में कार्थी और एक्टर सूर्या नजर आने वाले हैं। कैथी 2 साल 2009 में आई कैथी की सीक्वल फिल्म होने वाली है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 110 करोड़ का कारोबार किया था। अब डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने इसके दूसरे पार्ट को बनाने की प्लानिंग कर ली है, जिसमें एक्टर सूर्या रोलेक्स जैसे विलेन के रोल में नजर आएंगे। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के बैनर तले हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी और यह साल 2024 में सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। लोकेश कनगराज की अगली फिल्म होने वाली है इरम्बू काई मायावी, जो कि एक क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे लोकेश कनगराज डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म में लीड रोल में एक्टर सूर्या नजर आएंगे। फिल्म एक सुपर हीरो पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें हीरो अपना एक हाथ एक्सीडेंट में खो देता है और फिर वो लोहे के हाथ से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। सूर्या की यह अब तक की सबसे यूनिक फिल्म होने वाली है। फिल्म में सूर्या के अलावा कौन कौन है, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिल्म साल 2023 में फ्लोर पर आएगी और यह साल 2024 में ही सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। लोकेश कनगराज की अगली फिल्म होने वाली है विक्रम 2। विक्रम की अपार सफलता के बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने कमल हसन के साथ मिलकर इसके दूसरे पार्ट को बनाने की प्लानिंग कर ली है, जिसके लीड रोल में कमल हसन, सूर्या और फहद फासिल नजर आएंगे। विक्रम 2 एक क्राइम फिल्म होने वाली है, जो साल 2022 में आई। डायरेक्टर लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित विक्रम की सीक्वल फिल्म होने वाली है। लगभग 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 500 करोड़ का कारोबार किया था और इस फिल्म ने कमल हसन की बुलंदियों को और भी ऊंचा कर दिया। अब लोकेश कनगराज इसके दूसरे पार्ट को जल्द ही थिएटर्स में लाना चाहते हैं, जिसमें कमल हसन और एक्टर सूर्या के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। विक्रम 2 की शूटिंग साल 2023 में शुरू कर दी जाएगी और यह साल 2024 के अंत तक सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।